लेने वाली मैं सपना पूरा हुआ और वो भी विंडो सीट थे। तो प्लेन में भी बैठ के हमने थाली मंगवाई है, देखा मैं सुबह आ लूंगी। जयपुर जा रही हूँ, जयपुर। न्यू ब्लॉग तो सुबह सुबह का टाइम है और लोगों मैंने क्या था, तो ये वही ड्रेस है जो मैं उस दिन ले गई थी ना सेल में से, देख लेना ब्लॉग के अंदर है। तो अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैं अपनी स्मूदी बना रही हूँ क्योंकि तो कुछ है नहीं अभी खाने के लिए। मतलब इन सब ने मैगी वैगी खाई है, तो मुझसे मैगी वैगी नहीं खाई जाती सुबह सुबह, तो मैं अपनी स्मूदी बना रही हूँ और स्मूदी के लिए केला भी नहीं है, तो सिर्फ बादाम ओट्स और तो उसी की स्मूदी बना रही। पीनट बटर छुपा दिया यार इसमें तो। यार पीनट बटर तो इसमें छुपा दिया, भूलना पड़ेगा। कहाँ छुपाया? तो बुद्धि बड़ी चालू है भाई, अपना सामान छुपा लेती है और ना हमारा सामान निकाल निकाल के खाती है, तो अब इसका पीनट बटर भूलना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलो फिर ट्राई करते हैं कि कहाँ पे ट्राई। देखो इसका अपना अलग ही चलता है और इसको सुबह सुबह नींद आती है सो के उठने के बाद। तो यार मिलेगा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि मिलेगा पीनट बटर, अब ऐसे ही मेरे को दूध डाल के पीना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, तो यार अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो संडे आज मेरी छुट्टी है, तो चलो कुछ तबाही में जाते हैं बाहर। और अभी मेरा ना स्कूटी वाला व्लॉग मैंने अपलोड करा है, तो वो वाला व्लॉग देखना, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको। मतलब इतनी खतरनाक वाली ट्रेजेडी हुई थी ना उसके अंदर, बाद में इतना हंसे सब, नेक्स्ट डे भी जिसको भी पता चल रहा था ना सब इतना हंस रहे थे कि ऐसा हो गया। तो आप वाला व्लॉग देखना जो जिसमें मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो चलो सीधा बाहर पे मिलते हैं, फटाफट से चलते हैं। बाकी देखो ये जो मैं फ़ोन कल ठीक करा के लाई थी वो मैंने आपको दिखाना रह गया था, तो ये अभी इस पे रबड़ मैंने उतारी नहीं है, अभी पहले इस पे स्क्रीन गार्ड चढ़वाऊंगी फिर रबड़ उतरवाऊंगी। तो ये फ़ोन मेरे को 20,000 का कुछ पड़ा था जब मैंने ख़रीदा था, तो अब इसको ठीक करा करा के ना ये मतलब 35,000 कुछ का हो चुका है, क्योंकि आपके आगे ही है। मैंने कितनी बार ये फ़ोन ठीक करा लिया, और एक बार तो मैंने 6,000 का ठीक कराया, एक बार मैंने 4,500 का ठीक कराया, दो बार मैंने 4,500 का ठीक कराया और दो बार 1,500 का ठीक कराया। मतलब पता नहीं कितना ही खर्चा कर दिया इस फोन पे, और इसकी लास्ट है, इसके बाद मैं कभी जिंदगी में ठीक नहीं कराऊंगी। अब की बार अगर इसको कुछ होता है ना, हालांकि मैं कोशिश करूंगी कुछ ना हो। तो चलो अब बाहर चलते हैं। देखो खड़ी हो गई, तो बाकी देखो मैं उस दिन बता तो दिया कितनी बार बताऊंगी। तो वैसे इस बैग के बिना मैं पहनूंगी ना तो ये ढीला लग रहा है, और बैग जैसे ऊपर पहन लेती हूँ तो ये टाइट हो जाता है, तो मैंने इसके ऊपर बैग पहन लिया। वैसे नीचे इसके तो शूज़ पहनने चाहिए लेकिन मैंने चप्पल ही पहन ली, गर्मी हो रही है बाहर। तो चलो चलते हैं, पीछे से ज़्यादा अच्छी है ये। देखो तो पहले जूस लेके आना, चलो माँ। तो एक ग्लास मैं पी लूँगी और एक ग्लास पापा के लिए ले चलूँगी, फटाफट से बन जाए पहले तो। वो घर में सामान लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं बाहर, मैं निकल चुकी हूँ अपने परम मित्र के साथ। तो हम पहुँच गए सिंधु बॉर्डर, तो सिंधु बॉर्डर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हम यहाँ आए हैं पनीर के पकोड़े खाने के लिए, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये अपना पनीर अपने घर से लाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये रे पकौड़े, रास्ते लिखा हुआ था बर्फी वाला, बर्फी वाला, बर्फी वाला, तो ये है बर्फी वाला। तो देखते हैं भाई, मेरे को लगता है यहाँ पे प्योर बर्फी मिलती है, और यहाँ पे शायद एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ भीड़ लगी हुई है। इसका क्या है, मतलब दो जगह ब्रांचेज हैं क्या? एक छोटे हरिद्वार की तरफ भी है, मुरादनगर साइड पे, है ना? तो क्या ये प्योर मावे से बनती है? वो भी नहीं खुली है इन लोगों को वहाँ पे। अच्छा, मिलके कैसे दिया? और ये कौन सी बर्फी है, लाल वाली चुकंदर की? चुकंदर की टेस्ट कराओगे ये? और ये गाजर की, और ये घी की? सारे तुक्के सही मारे मैंने। देखो चुकंदर की, चुकंदर की बर्फी। ये कैसे दिया? तो 600 रुपए किलो, सारी 600 रुपए किलो। तो मैंने तो मिल्क केक पैक करा लिया। तो ये देखो फ्रेश मिल्क केक।
पैक हो गया हमारा मिलके, तो चलो चलते हैं आगे। पता है मैंने इसकी ना सारी जगह बोर्ड देखे, अभी हम छोटे दरदार गए थे ना तो वहाँ पे भी बोर्ड लग रहे थे बर्फी वाला बर्फी वाला बर्फी वाला, तो आज मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं कि कौन है भाई बर्फी वाला। फेमस बर्फी वाला से बर्फी लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे, तो आज हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड करा था कि दिल्ली से बाहर जाके खाना खाएंगे, तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। तो यहाँ पे ढाबे चालू हो जाते हैं बहुत सारे, चंडीगढ़ साइड से और पंजाब साइड से भी यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। तो अब कहानी आती है कि हमें ढूंढना है ढाबा कि हमें खाना कहाँ खाना है। तो इतने सारे ढाबे देखे और फिर अचानक नजर पड़ी इस पे, पीछे जो मेरे है एरोप्लेन वाला ढाबा, यानी कि इसका नाम है हवाई अड्डा। वो हम हमारी जैसी नजर पड़ी, हमने तो स्कूटी यहीं घुमा ली। तो चलो देखते हैं कि अंदर बैठ के खाना खाते हैं। देखो देखो ये दो प्लेन लगे हुए ना, एक प्लेन ये रहा एक प्लेन वो रहा, और अंदर डीजे भी है। तो चलो चलते अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है खाने में। वैसे मेरे को ज्यादा भूख नहीं लग रही, तो देख लेंगे थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो चलो चलते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ प्लेन में खाना ही खाने के लिए आऊंगी, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा खोपड़ा ठीक कर लेते हैं, प्लेन के अंदर जाना है ना, तो प्लेन में ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। तो चलो पहले फटाफट से वॉशरूम में मुंह धो लेती हूँ, मैं थोड़ा अजीब सा हो गया मिट्टी मिट्टी सा, तो अब थोड़ा सा ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। ये रहा सामने प्लेन, देखो यहाँ जाना है हमें अंदर, और ये रहा बच्चों का खेलने का, देखो यहाँ पे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। वो प्रोसेस होता है यहाँ से शुरू, तो यहाँ पे हमें टिकट कटवानी है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। और हमने ले लिया है टिकट, तो एक टिकट पे दो जने जा सकते हैं, जो कि है सिर्फ 200 रुपए की, जो आपके आगे जो भी आप खाओगे उसमें कट जाएंगे, मतलब आपको उसी में यूज हो जाएंगे 200 रुपीज। तो फाइनली हम प्लेन के पास पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से हमारी होगी एंट्री। तो यहाँ पे भैया खड़े हुए थे दो, तो मैंने सोचा उनसे पूछती हूँ कि अंदर जाए हम, तो बाद में मुझे पता चला कि ये भैया भी हमारी तरह कस्टमर है। तो ठीक है भाई, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और मेरे को तो हमेशा ही होती है। तो प्लेन के कैप्टन आ चुके हैं, यही हमें अंदर भेजेंगे जैसे ही सीट खाली हो जाएगी। तो अब चलो वेट करना है बस कि कब ये हमें अंदर भेजेंगे। तो मैंने सोचा जब तक खाली है तब तक यहाँ पे फोटो शूट ही कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे थंबनेल लेना शुरू कर दिया और इंतजार करने लग गए कि कब हमें अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि जब तक सीट खाली नहीं होती तब तक अंदर एंट्री नहीं होगी। बाकी सारे सोफे पे बैठे थे और हमने सोचा कि इस टाइम को यूज कर लिया जाए। थोड़ी ही देर बाद भैया ने कहा जाओ सीट खाली हो गया, तो इस तरह से मैं आपको बुलाती हुई इस टाइम मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू की फीलिंग आ रही है। और ये रहा हमारा प्लेन जिसके अंदर अब मैं घुस चुकी हूँ। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्लेन के अंदर, चाहे वो मैं सिर्फ खाना खाने के लिए क्यों ना आई हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे लोग पहले से बैठे हुए थे और सीट्स तो खाली थी, लेकिन वो अपने हिसाब से बिठाते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ही सीट्स चाहिए थी, तो उन्होंने दो सीट खाली होने के बाद हमें अंदर बुलाया और ये रही हमारी सीट। तो प्लेन में भी बैठ के हमने थाली मंगवाई है, देखा, तो हम ये मंगवा रहे हैं। वैसे बाकी चीजें भी है लेकिन मेरा खाना खाने का मन है। तो खाली बैठे बैठे मेरे दिमाग में खुरफाती आइडिया आया, तो मैं अपनी मम्मी को ना वीडियो कॉल करने जा रही हूँ, ये बोल के कि मैं प्लेन में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ। मम्मी कहाँ हो? मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ मैं, बाहर प्लेन में हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे जैसे ही बच्चे होते हैं जिनकी वजह से माँ बाप बच्चों को बाहर भेजते नहीं है। भगवान जयपुर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से सफल हुई मम्मी को उल्लू बनाने में, तो काम हो चुका है। और फिर इतनी सी चीज़ से मेरा पेट कहाँ भरने वाला था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ी कम करके घर ले जाई जाए। अच्छा कैप्टन साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो, नहीं लेके जा रही। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, तो ये रही मेरी थाली जो मैंने ऑर्डर करी है। तो खाना देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बाकी खा के बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो खाना खाते खाते फीडबैक भी बता देती हूँ आपको। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला टेस्टी बोलते हैं ना वो है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही कम है। तो वो हम कैप्टन साहब को बताते हुए जाएंगे यहाँ से।
तो बाकी मेन्यू में बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन हमने थाली चूज करी क्योंकि मेरा खाना खाने का ही मन था बस, और यहाँ पे आओ तो खाना ही खाना चाहिए, बाकी चाइनीज वगैरह सब कुछ था। तो बाकी मुझे स्लो मोशन में गुलाब जामुन खाते हुए भी देख लो, तो खाना मैं खा ही चुकी हूँ तो लास्ट में मीठा तो बनता ही है ना। तो भाई खाना खा लिया, पेट भर गया, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ओवर ईटिंग होगी, मुझसे खाया नहीं जाता ज्यादा खाना ना ऐसा थाली वाली का, और अभी गाने बज रहे हैं, मेरी आवाज नहीं आई है आपको, तो चलो अब चलते हैं, थोड़ा नीचे घूमते हैं और फिर घर चलते हैं। तो खा पी के मैंने सोचा चलो मुआयना कर जाए कि क्या क्या है यहाँ पे, तो अचानक से मुझे ये दिखता है खुश मसाज हो रही है, हमने वहाँ पे कराई थी ना, वहाँ 100 रुपीज थी, यहाँ 150 रुपए। लास्ट हम गए थे छोटे हरिद्वार, तो वहाँ पे मैंने फिश मसाज कराई थी, तो मैं उसके बारे में बात करी हूँ। तो यहाँ पे भी हो रही है, वहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन आज मैंने कोई प्लान नहीं करा क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था मेरे साथ, तो मैंने सोचा भाई अब रिस्क नहीं लेना। तो बाकी ये दो प्लेन खड़े हुए हैं और दोनों प्लेन में आपको सीट मिल जाएगी, प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एक तो दिल्ली से बाहर भी हो जाता है, आउटिंग हो जाती है आपकी, और साथ के साथ आपको यहाँ पे इंजॉय करने को भी मिलता है बहुत सारी। चलो हम नीचे देखते हैं कि नीचे कुछ हो रहा था, डांस वांस में ऊपर से देख रही थी, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे आने की खुशी में, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बाद में पता चला पीछे बोर्ड पे पढ़ोगे क्या लिखा है, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है बजरंग पुनिया की, तो हमने सोचा थोड़े बहुत ठुमके हम भी मार ही देते हैं। तो जिस तरह से आप देखते हो मेरी वीडियो, मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा घूमना मतलब इतना ज़्यादा पसंद है मुझे कि मेरा बस चले ना मैं पूरे हफ्ते बाहर जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुद को रोकती हूँ क्योंकि ज़्यादा घूमने से मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ता है, और जब तक मनी नहीं होगा ना तब तक आप हनी नहीं खा सकते, मतलब घूम नहीं सकते इतना ज़्यादा, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ घर वापस क्योंकि कल सुबह जिम जाना है और टाइम से घर पहुँचना है और टाइम से सोना पड़ेगा सुबह उठने के लिए। बाकी खाटू श्याम जी का मंदिर भी रास्ते में है, आप मथा टेकते हुए जा सकते हो। फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और कुछ जी का मेरे पास मैसेज आया कि मैंने मम्मी को बोला था कि मैं जयपुर जा रही हूँ, तो कुछ जी का मैसेज आया कि वहाँ से ना मावा का चोरी ले आई हो, तो मतलब उनको सच्चे में लगा कि मैं जा रही हूँ। उद्दू बनाती थी, बोला था ना देव को बना रही है, क्या गई थी मैं, घंटा गई थी मत मान, फ्लाइट से नहीं हूँ। हाँ अच्छा, तो इतना बड़ा अजीब है, 5 घंटे रोड से लगते हैं, बड़ा अजीब है। मैं वहाँ नहीं गई थी, देख ली, अच्छा ठीक है जा। अच्छा इसमें नाम पढ़ ले। तो यहाँ पे सारे मान चुके थे कि मैं जयपुर गई हूँ, तो मैं यहाँ पे सबको अभी भी विश्वास दिला रही हूँ कि भाई मैं जयपुर ही गई थी, तो ठीक है व्लॉग आने तक तो ये चल ही सकता है ना, जब व्लॉग आएगा तब तो पता चलना ही है, लेकिन फिर भी अब कोई मान नहीं रहा मेरी बात। तो मैं मिट्टी मेरा इसलिए मैंने बताया, मैं विंडो सीट पे बैठी थी ना, तेरा नीचे तो नहीं चलता। दो तीन बार मुझे धक्का मारना पड़ा था, चल राजस्थान में गिरी जैसलमेर। तो देखा मैंने सबको कैसे उल्लू बनाया, लेकिन अब पूरी तरह से सब मान चुके हैं कि मैं कहीं नहीं गई थी, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तो ये थोड़ा डाउट में ही रहेंगे कि कहीं होके तो नहीं आ गई, जब तक मेरा व्लॉग नहीं आता। तो आज वाली जगह पे मुझे तो बड़ा मजा आया क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ, तो मैंने पहले सोचा था क्योंकि हमारे दिल्ली में रोहिणी के अंदर भी है, लेकिन रोहिणी वाले में तो मैं कभी नहीं गई, तो यहाँ पे बाई चांस हुआ कि हमें दिख गया तो हम चले गए। लेकिन अब आप कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी जगह, और चलो अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी,
पसंद आई होगी तो यार चैनल को लाइक कर दिया करो, मतलब वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आसान सा है, कुछ नहीं करना होता, इसके पैसे देने नहीं पड़ते आपको, सिर्फ उंगली से थोड़ा सा कष्ट होता है। तो अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूं, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, वेट करना।